बिहार के शेखपुरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुखिया और उसका पुत्र हथियार का जखीरा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस आदि बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया अवैध हथियार का सप्लायर था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिता पुत्र को भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई शेखपुरा जिले के कुसुम्भा ओपी थाना क्षेत्र के बड़े बिग्घा गांव से किया है, जहां पुलिस द्वारा पूर्व मुखिया कौशलेंद्र कुमार और उसका पुत्र शिव विभूति के घर छापेमारी किया। पुलिस ने छापेमारी कर 14 देसी कट्टा, 127 जिंदा कारतूस, 25 कारतूस का खोखा, 3 मोबाइल, 1 तलवार, 2 गुप्ती और 4,50,600 रुपए नगद बरामद किया है। तो ये बड़ी खबर बिहार के शेखपुरा से आ रही है। यहाँ पुलिस ने एक पूर्व मुखिया को हथियार के जखीरा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिता पुत्र को भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर किया है। ओपी के जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के घर में कुछ अवैध हथियार रखा हुआ है। इसी के सत्यापन हेतु कुसुम्भा थाना के पदाधिकारी और जिला बल के द्वारा घर में रेड कराया गया। उस रेड में 14 देसी कट्टा, 127 पीस जिंदा कारतूस, 25 खोखा, 4,50,600 रुपये कैश, 1 तलवार, 2 गुप्ती, 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कौशलेंद्र कुमार और उनके पुत्र शिव विभूति। इनके द्वारा बताया गया है कि ये मंगवाते थे हथियार और जो यहाँ अपराधी कर्मी थे उनको ये बेचते थे। पैसा संभवतः उसी जो हथियार बेचे गए हैं उसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, जदयू नेता का हथियार तस्कर से संबंधित है, इस पर क्या इस बिंदु पर जांच की जाएगी? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं अभी कि इसमें इस तरह कब से चल रहा था इनका और कौन कौन इन्वॉल्व है और किसको बेचा गया है, ये अनुसंधान का पार्ट है। जब आएगा तो क्या सर, इनका तार नक्सलियों से भी जुड़ी है क्या? अभी फिलहाल सिर्फ क्रिमिनल से जुड़ने के बाद आया है और उसके लिए जांच कर रहे हैं। कितने जिले का क्रिमिनल का बात आ रहा है सर? 3 जिला का भी आया है, शेखपुरा का है, नवादा के हैं और जमुई। एसपी ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर 14 देसी कट्टा, 127 जिंदा कारतूस, 25 खोखा, 3 मोबाइल, 1 तलवार, 2 गुप्ती और 4,50,600 रुपए नगद बरामद किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व मुखिया हथियार का तस्करी करता था और इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व मुखिया कौशलेंद्र कुमार हथियार जमुई, नवादा और शेखपुरा में बेचने का काम करता था। बताया पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मैंने कहा पुलिस हर बिंदु की गहनता से जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ किया जाएगा। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।